एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मंडे और हम दोनों को ऑफिस जाना था, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ न्यू ट्राई करें लंच में। सो हमने सोचा है कि हम बनाएंगे दाल घीये की सब्ज़ी, एक दाल और घीया मिक्स करके, प्लस उसके साथ ब्रेकफास्ट में दलिया और इनके लिए चाय। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। को हम काटेंगे ऐसे ही पतला पतला, जितना पतला हो सके उतना पतला, मतलब ज्यादा भी पतला नहीं, नॉर्मल मीडियम साइज। हमारा दलिया का दूध खोल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दलिया और हमारी चाय भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट हम इसको भी और पकाएंगे। क्या मैं दलिया काट चुकी हूँ, प्याज भी रेडी है, लहसुन भी रेडी है और अब हम मिर्च काटेंगे। बाकी जो मैंने यहाँ पे मैंने जो दलिया भिगोया था ये भी अब थोड़े फूल चुके हैं, इसको हम डालेंगे दूध में। कुकर में दाल डाल दी है जो हमने थोड़ी देर पहले ही भिगोई थी, उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे घिया जो हमने कट किया था, बस घिया और दाल बस डालेंगे। इसमें क्या डाल रहे हैं, नमक, इसमें हम नमक डाल देंगे। हमने डाल दिया है घीया, दाल और नमक थोड़ा और पानी, और अब हम इसे सीटी लगाएंगे। हमें लगेगी अब सीटी। दलिया हमारा हो चुका है, चाय हमारी हो चुकी है, अब मैं निकालूंगी चाय इनके लिए और उनके लिए। शिवाय लेंगे इसमें घी। घी क्यों, मतलब तेल भी तो डाल सकते हैं, सिर्फ घी क्यों? घी तेल से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, डराने की क्या जरूरत है। डालेंगे जीरा, हमें चाहिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो कि मैं खुद अपने पौधों में से तोड़ूंगी। ये कड़ी पत्ता है, मन नहीं कर रहा तोड़ने का। आप कुछ नया ट्राई करने जा रहे हो अब? कड़ी पत्ता डाल के देखो कैसा लग रहा है।
हो गया काम। जिस दिन ये नया ट्राई करते हैं ना, उस दिन कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। चलो देखते हैं। ये मैंने लगाया है टमाटर का प्लांट, पता नहीं टमाटर कब निकलेंगे इसमें से। तो सुंदर लगता है ना बारिश के टाइम पे, पौधे हरे हरे अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने लगाई है मिर्ची, कल ही लगाई है, देखते हैं कब तक आती है। मौसम भी अच्छा हो रहा है। प्याज डाल के अच्छे से भून लिया है, जब तक ये पिंक कलर का ना हो जाए। अब प्याज भी मुझे पिंक कलर का चाहिए। फिर उसके बाद हम डालेंगे ये जो हमने ग्राइंड किया था, इसमें क्या क्या ग्राइंड किया था हमने, टमाटर बताओ, हरी मिर्च और लहसुन और टमाटर हरी मिर्च और लहसुन और बस बस तुमने बनाया और इतना कंफ्यूज। प्याज डालने के बाद जब वो भुन जाएगा उसमें हम डालेंगे नमक। वो चावल जो कूद रहे हैं, चावल भी ऑलमोस्ट हो गए हमारे, हमने कुकर में नहीं बनाया जानबूझ के। क्यों कुकर में क्यों नहीं बनाया हमने चावल? ऐसे ज्यादा हेल्दी होता है। और अब हम डालेंगे हल्दी। गरम मसाला, धनिया पाउडर, मतलब कौन है धनिया पाउडर इतना मुझे पता है, ठीक है ये। और गोल्डी मसाले, लाल मिर्च, देखा गोल्डी मसाले, ये फर्स्ट वन। तो ऐसा ही थी। और हम लास्ट में डालेंगे ये, ठीक है, कस्तूरी मेथी, ये हम लास्ट में डालेंगे जब पूरी सब्जी बन जाएगी तब। ये काम करते करते अब ये क्या कर रहे हैं, बाउल में सारे मसाले डालेंगे, जैसे कि इन्होंने हल्दी डाल दी है, सारे मसाले डाल के इसमें पानी डाल के थोड़ी देर घोल के छोड़ देंगे ताकि वो मसाले वो मैंने नहीं, एक्चुअली अगर हम ऐसा करेंगे तो और अच्छा लगेगा, बट ये ऐसा नहीं करना चाह रहे तो मैं फोर्स तो करूंगी नहीं। सारे मसाले डालने के बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया है ये हम डालेंगे। हम डालेंगे थोड़ा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, बस ज्यादा नहीं डालते, मैं जितना दूध नहीं डालू। और अब हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। मैं कट करूंगी एक एप्पल हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। हम करेंगे थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद हम करेंगे लंच पैक एंड फिर हम निकल जाएंगे ऑफिस। मसाला हो गया है और ये हमारा दाल और घिया भी हो गया है, तो उसको हम इसमें डाल देंगे।
और ऐसे अच्छे से चलाएंगे। क्योंकि हमने देसी घी में बनाया है तो देसी घी का भी टेस्ट आएगा। इसमें मेरा लंच रहेगा, इसमें इनका लंच रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये डाइटिंग पे हैं तो ये ज़्यादा नहीं खाएंगे, इसीलिए इनके लिए छोटे लंच बॉक्स में पैक कर रही हूँ। पर मैं दबा दबा के पैक कर रही हूँ कि जितना जा सके उतना अच्छा है। हो गया, ये मेरा हो गया, मेरा हो गया, मैं सारा चावल नहीं लेके जाऊँगी। Let's go। ये यहाँ स्ट्रगल करते हुए ये बाइक फंस गई है। यू कैन डू इट। नहीं हो पा रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ। हो गया। बाय।